हेलो गाइस, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। आज हम बात करेंगे बैटिंग स्टांस के बारे में। एक प्रॉपर स्टांस और गार्ड आप कैसे ले सकते हो मैच में। आप नेट्स में जाते हो, मैच में जाते हो, बैटिंग करने अंदर जाते हो, तो आपको पता नहीं रहता कैसे आप स्टांस ले सकते हो, कैसे आपको गार्ड लेना है अपना। तो आज मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। और आज हमारे साथ वासु हैं। वासु के साथ मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये भी अभी बिगनर है, इन्होंने अभी क्रिकेट स्टार्ट किया है, तो जैसे मैं इनको समझाऊंगा ऐसे ही आप भी सीख सकते हो कि कैसे स्टांस लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस, जब भी आप बैटिंग करने जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस फील करना है। आप कभी भी लो कॉन्फिडेंस में अंदर मत जाओ, या नेट्स में हो या बैटिंग में हो, क्योंकि बिगनर्स क्या होते हैं, थोड़ा हड़बड़ाहट में रहते हैं, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं जब वो बैटिंग करने जाते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस में रहना है हमेशा। तो अब मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे अंदर जाके स्टांस लेना है और कैसे अपना गार्ड लेना है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे हमको बैट पकड़ना कैसे है। आप अंदर जाओगे, आप नेट्स में जाते हो, मैच में जाते हो, सबसे पहले हमें बैट ही पकड़ना पड़ता है स्टांस लेते हुए। तो बैट का तरीका बताऊंगा आपको पकड़ना कैसे। आप देख सकते हैं, आपको हमेशा वी चेक करना है बैट का। कैसे चेक होगा, आपको बैट इस हैंड से ये पकड़ना है और हमेशा ये हमारा हैंड का वी है, ये वी हो गया, और ये बॉटम हैंड का भी, ये आपको ऐसे पकड़ना है, ये पोजीशन होनी चाहिए आपका, फिर ऐसे आएगा बैट। बहुत बिगनर्स गलती करते हैं, बैट ऐसे पकड़ लेते हैं, उनका वी नीचे होता है, तो बैट कभी भी आपका शॉट देख लो कैसे आएगा। फिर ये हमेशा आपको दोनों हाथ का वी बराबर रखना है, और ना आपको बैट ज़्यादा ऊपर से और ना ज़्यादा नीचे से, आपको ऐसे बैट पकड़ना है, और दोनों हाथ के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ऐसे पकड़ते हैं, गैप कभी नहीं होना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं मेरे दोनों वी सामने हैं, बैट के वी से दोनों वी सामने हैं, आपको भी ऐसे ही पकड़ना है। और ये आपका बैट हल्का सा फेस आपका ओपन रहेगा और बैट अंदर नहीं होगा। कुछ लोगों का बैट ऐसे अंदर होता है, अंदर नहीं करना है आपको, हल्का सा फर्स्ट स्लिप की साइड ऐसे, ये ध्यान रखना है। तो गाइज, बैट पकड़ने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपको स्टांस कैसे लेना है। सबसे ज़्यादा बिगिनर्स इसमें गलती करते हैं, वो जाते हैं अंदर और नॉर्मल खड़े हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है गार्ड कैसे लेना है, स्टांस अपना कैसे लेना है। तो वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले आपको जाके अंपायर से लेग गार्ड लेना है, जाके आप क्रीज में जाओगे तो आपको लेग गार्ड लेना है, जैसे वासु अब ले रहे हैं, आपको ऐसे लेना है, अंपायर को आपको गार्ड लेना है ऐसे, आपको अंपायर से पूछना है, लेग स्टंप के सामने आपको बैट रखना है जैसे रखा हुआ है, आपको ऐसे पूछना है। लेग गार्ड क्यों लेना है गाइज, आपका स्टांस ऐसे होगा, अगर आप सामने रहोगे मिडिल गार्ड लोगे तो आप स्टंप के सामने रहोगे, एलबी का खतरा ज़्यादा होता है, आप लास्ट के ओवरों में रह सकते हो मिडिल स्टंप पे। स्टार्टिंग के ओवरों में आपको लेग गार्ड ही लेना है, जैसे वासु ने लिया है, आप ऐसे चेक करोगे लेग गार्ड, आप मिडिल लेना है तो ऐसे ही आपको बैट आगे करना है मिडिल पे, और ऐसे अंपायर से पूछना है, जैसे वासु ले रहे हैं ऐसे अंपायर से आपको कॉल करके पूछना है कि मिडिल सामने है या नहीं है। आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लेयर्स ऐसे ही गार्ड लेते हैं, आईपीएल तक बड़े बड़े आप टूर्नामेंट देखते हो, सब जाके ऐसे ही गार्ड लेना है, आपको भी ऐसे ही गार्ड लेना है। उसके बाद आपको अपना स्टांस लेना है। गार्ड इन्होंने ले लिया तो आपको ऐसे मार्क करना है यहाँ पे। अभी हम फर्स्ट पे हैं, यहाँ पे हम गार्ड कुछ स्पाइक्स यूज़ नहीं कर सकते, तो आप जब टर्फ पे रहोगे या मैच में रहोगे तो उस टाइम आप स्पाइक से इसको कर सकते हो। यहाँ मार्क करने के बाद आपको खड़ा होना है, ऐसे खड़ा होना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपकी लेग की पोजीशन क्या रहेगी, जैसे ये गार्ड है यहाँ पे तो आपकी, वासु आपको खड़े होकर दिखाएंगे कि इनकी पोजीशन क्या रहेगी। जैसे ये गार्ड इन्होंने लिया, अब पोजीशन आप स्टांस की इनकी देख सकते हैं कैसे रहेगी, ये आपकी पोजीशन रहेगी, सेम आपको ही ऐसे अपनी पोजीशन रखनी है जैसे इनकी पोजीशन है, स्टांस लेते हुए ध्यान रखना है। आपको पूरे स्टंप कवर नहीं कर रहे हैं, करने आपको लाइन पे अपना थोड़ा सा पंजा रखना है, जैसे वासु का है जहाँ पे उन्होंने मार्क किया हुआ है, आपको भी सेम ऐसे ही रखना है। आप ज़्यादा आगे चले जाओगे तो आपका लेग स्टंप भी दिखता रहेगा, आपको ऐसे नहीं करना है, सेम ऐसी पोजीशन रहेगी। और गाइज, आपको एक और बात बता दूँ, आपको ध्यान क्या रखना है जब आप बैटिंग करोगे, लेफ्ट आर्म के सामने या लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने या लेग स्पिनर के सामने, आपको थोड़ा पैर ओपन रखना है, ये वाला पैर आपका थोड़ा सा ओपन रहेगा जैसे वासु का है, आपको सेम ऐसे ही ओपन रखना है। इसका फ़ायदा क्या होगा गाइज, अगर आप पैर क्लोज रखोगे, जैसे ये पैर क्लोज है तो आप ब्लॉक हो जाओगे, आपको वो हमेशा आपके पैर में मार देगा, आप ये शॉट खेल ही नहीं सकते हो, देखो आपका पैर क्लोज है तो कैसे खेलोगे। आपको हमेशा पैर ओपन रखना है जब आप स्पिनर को खेलोगे, लेफ्ट आर्म हो या आपका लेग स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर भी हो, क्योंकि उनका एंगल इधर से ही बनता है, इधर से बनता है, ये पैर आपका ब्लॉक है तो कैसे खेलोगे। अगर ये पैर ब्लॉक हो जाएगा तो आप कैसे खेलोगे, इसको ब्लॉक नहीं करना है, इसलिए आपको हल्का सा खोल के रखना है जब आप लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर को खेलोगे, ये बात ध्यान रखनी है। ये सभी बातें गाइस बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, अगर आपको स्टांस लेते हुए प्रॉब्लम होती है या आप बिगनर हो भी बैटिंग करने जाते हो नेट्स में या मैच में, तो आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी है। और आपको एक और बात बता दूं लास्ट में, आप हमेशा कॉन्फिडेंस में अंदर जाओ, आपको लो कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। आप नए हो तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ जाएगा, इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऐसी वीडियो आती रहेंगी क्रिकेट से जुड़ी हुई। और गाइज, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन मिलता है बहुत। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम में बात करनी है तो मैसेज कर सकते हैं, क्रिकेट विशाल सेम अकाउंट है। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज।